good morning students welcome once again in class 6 students in previous classes of history section we studied about history and divided categories of history means prehistory and about the history and we also studied about before common era bce and common era ce लेट्स स्टूडेंट्स वी मूव टूवर्ड सोर्स मटेरियल्स ऑफ हिस्ट्री सो स्टूडेंट्स टूडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सोर्स मटेरियल्स ऑफ हिस्ट्री स्टूडेंट्स सोर्स मटेरियल्स मीन्स जानने के स्त्रोत क्या हैं जानने के क्या स्त्रोत हैं हिस्ट्री के लेट्स सी हाउ अ हिस्टोरियन स्टडी द सोर्स मटेरियल एंड देन ड्रॉ कंक्लूजन अब हम लोग देखेंगे कि हिस्टोरियंस ने कैसे सोर्स मटेरियल्स को पढ़ा उसको कैसे जाना कि ये कब के हैं कहाँ के हैं किनके द्वारा यूज किए गए हैं और उनको कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष ड्रॉ कंक्लूजन लिखा यानी कि निष्कर्ष तक कैसे पहुँचा कैसे हिस्ट्री बुक में उन चीज़ों को मेंशन किया द सोर्स मेटेरियल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टू कैटेगरीज सोर्स मटेरियल को दो भागों में डिवाइड किया गया है आर्कियोलॉजिकल सोर्स मटेरियल्स एंड लिटरेरी सोर्सेज स्टूडेंट्स अबाउट दिटरि लिटरेरी सोर्सेज वी विल स्टडी इन नेक्स्ट क्लासेज बट टूडे वी विल स्टडी अबाउट आर्क्योलॉजिकल सोर्स मैटेरियल सो स्टूडेंट्स लुक एट दोर्ड एंड स्टडी इन डिटेल अबाउट आर्क्योलॉजिकल्स सो स्टूडेंट्स वट डू यू मीन बाई आर्क्योलॉजिकल सोर्स मैटेयल्स सम मैटेरियल्स ऑफ द पास ब्यूरी डीप अंडर द अर्थ इज नोन एज आर्क्योलॉजिकल सोर्स मैटेयल्स आर्क्योलॉजिकल सोर्स मैटेयल्स क्या हैं जो पास्ट में कुछ मटेरियल्स जो थे वो दबे हुए रह गए थे कहाँ ज़मीन के अंदर उसे हम आर्कियोलॉजिकल सोर्स मटेरियल्स कहते हैं जैसे कि कौन कौन से चीजें इसमें हो सकते हैं ज़मीन के अंदर दबे हुए चीज़ हमें क्या क्या मिल सकते हैं एक्स आफ्टर द एक्सकेवेसन एक्सकेवेसन के बाद इंस्क्रिप्शन इंस्क्रिप्शन जो पत्थरों पे खुदाई किया हुआ जो लेटर्स रहता है लिखा हुआ उसे हम इंस्क्रिप्शंस कहते हैं क्वाइंस मीन्स सिक्का पोटेरी मीन्स बर्तन मोनूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स मोनूमेंट्स मींस स्मारक बिल्डिंग्स मीन्स भवन ये चीज़ें हमको आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में कभी आपने सुना होगा तो सिंधु घाटी की सभ्यता ये इस सभ्यता के बारे में हमें कहाँ से पता चला मोहन से पता चला कि कहाँ मोहन में सिंधु घाटी की सभ्यता में बिल्डिंग्स कैसी होती थी उनकी गलियाँ कैसी होती थी ईंटें कैसी यूज की जाती थी ये सब चीज़ें एंड स्केल्टन आपने साइंस की किताब में पढ़ा होगा कंकाल जानवर या आदमी जिसके भी हो तो पता चलता है कि उस समय कौन कौन से जानवर रहते थे कौन कौन से जानवर पाले जाते थे और मनुष्य का भी बॉडी तो किस जगह पे मनुष्य रहते थे आदि वास करते थे या नहीं करते थे अगर ज़मीन के अंदर से आदमी का कंकाल मिला ह्यूमन बींग्स का तो पता चलता था कि यहाँ पे आदमी का बसेरा होता था अगर सिर्फ और सिर्फ जानवर का मिला उसमें भी जंगली जानवर का मिला तो पता चलेगा कि यहाँ पर जंगल होता होगा और अगर पालतू जानवर का मिला तो लगता तो पता चलता है कि लोग जानवर टैमिंग करते थे एनिमल टैमिंग जानवर का पालन भी करते थे एंड स्कल्पचर्स मीन्स मूर्ति कला स्कल्पचर्स मीन्स मूर्ति कला होता है आपने बुद्ध भगवान की मूर्ति देखी होगी तरह तरह का डिजाइन आपने उसमें देखा होगा कि चीन का बना हुआ श्रीलंका का इंडिया का बना हुआ अलग अलग तरह की डिजाइनें होती है सबकी कला अलग अलग होती है तो पता चलता है कि यहाँ पर किस प्रकार की कला निर्माण की विधियाँ थी कैसी कैसी मूर्तियाँ बनाई जाती थी और ये सब जो हैं ये आर्कियोलॉजिकल सोर्स मटेरियल्स हैं और इन से हमें अंततः पता क्या चलता है तो अ स्टडी ऑफ द स्टडी ऑफ दिज रिमेन्स टेल द टेल द आर्कियोलॉजिस्ट अबाउट द रिलीजियस सोशल एंड कल्चरल कंडीशंस तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स स्टडी ऑफ दिज रिमेन्स टेल द आर्कियोलॉजिस्ट अबाउट द रिलीजियस सोशल एंड कल्चरल कंडीशंस ये रिमेंस मींस अबसेस जमीन से जब एक्सकेवेसन मींस खुदाई जब होता है तो खुदाई के बाद जो भी मटेरियल्स हम लोगों को मिलते हैं ये सारे मटेरियल्स मिलते हैं वो आर्कियोलॉजिस्ट को क्या बताते हैं उसके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट uh, कौन है द पर्सन हु स्टडी द आर्कियोलॉजिस्ट मटेरियल्स सॉरी आर्कियोलॉजिकल मटेरियल आर्कियोलॉजिस्ट वो होते हैं जो आर्कियोलॉजिकल मटेरियल के बारे में पढ़ते हैं समझते हैं कब का है किस जमाने का है ऐसा अंदाजा लगाते हैं पढ़ते हैं उन्हें हम आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं तो ये थिंग्स जो है वो आर्कियोलॉजिस्ट को किन चीज़ों के बारे में बताते हैं उस जमाने के रिलीजियस बिलिप्स सोशल कंडीशन एंड कल्चरल कंडीशंस के बारे में बताते हैं वो सब चीज़ें लोगों को बताता है कि उस जमाने में लोग कौन सी मेटल्स uh, यूज करते थे कौन सा धर्म था उनका सामाजिक स्थिति कैसा था लोगों का कल्चरल कंडीशन सांस्कृतिक कंडीशन पूजा पाठ कैसा होता था कपड़े कैसे पहनते थे वेशभूषा कैसे होते थे ऑर्नामेंट्स किन मेटल्स का पहनते थे कॉपर का सिल्वर का गोल्ड का ये सारे चीज़ों का पता इन सारे मटेरियल से लग है सो स्टूडेंट्स ये थे आर्कियोलॉजिकल सोर्स ऑफ मटेरियल्स एंड नाउ वी विल स्टडी अबाउट वन 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 स्टडी वन अबाउट द आर्कियोलॉजिकल सोर्स मटेरियल्स नाउ फर्स्ट अबाउट इंस्क्रिप्शंस इंस्क्रिप्शंस व्हाट आर द इंस्क्रिप्शंस इंस्क्रिप्शंस आर द राइटिंग व्हिच आर इनग्रेविड ऑन रॉक पिलर्स क्ले टेबलेट्स एंड द वॉल ऑफ़ द टेम्पल्स एंड केव्स इंस्क्रिप्स क्या है इंस्क्रिप्शन हम उस राइटिंग को कहते हैं जो खुदाई की जाती है पत्थर के पिलर पर पत्थरस पे अस्तम्भ पे बिल्डिंग के स्तंभ पे क्ले टैबलेट मिट्टी की गीली मिट्टी की सीट पे और टेम्पल्स की मंदिरों की दीवार पे और गुफाओं की दीवार पे इन सब चीज़ों पे जो खुदाई की जाती है वैसी राइटिंग को हम इंस्क्रिप्शंस कहते हैं अब हमें ये क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं तो दे टेलर्स अबाउट द किंग देयर इम्पेर अचीवमेंट्स एज वेल एज द सोसाइटी एंड द लैंग्वेज ये हम को लोगों को राजाओं के बारे में उनके साम्राज्य के बारे में राजा की उपलब्धियों के बारे में कि वो उन्होंने क्या क्या किया और समाज की स्थिति क्या थी और उस समय कौन सी भाषा बोली जाती थी इसके बारे में हम लोगों को ये पता था चूंकि स्तंभ पे या गुफाओं में खुदी होगी खुदाई की हो, हुई होगी तो कौन सा लैंग्वेज में लिखा गया या कौन कौन सी बातें राजाओं के द्वारा जो सोशल ऑर्डर दिए गए सामाजिक निर्देश दिए गए वो सब चीज़ें लिखी हुई रहती थी तो इससे ये पता चलता था राजा के अचीवमेंट के बारे में कि राजा ने क्या क्या किया और भाषाओं लैंग्वेज के बारे में भी, भी पता चल जाता था द इंस्क्रिप्शन ऑफ़ अशोकाज पीरियड टेलर से अबाउट हिज अचीवमेंट इन फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड द स्टेप दैट द टूक लाइक बिल्डिंग हॉस्पिटल्स वेल ई टी सी जो इंस्क्रिप्शन अशोका के पीरियड में अशोक के राज्य के काल में लिखा गया वो हमको क्या बताता है उस फील्ड की उपलब्धियों के बारे में अचीवमेंट के बारे में बताता है जो कि प्रशासनिक कार्यों में किया गया और वो स्टेप्स अशोक के द्वारा लिए गए उन कदमों के बारे में बताता है जो उन्होंने बिल्डिंग हॉस्पिटल्स कुआं वगैरह खुदवाने और बनवाने में लिया फॉर द वेलफेयर ऑफ द पब्लिक लोगों के कल्याण के लिए अशोका ने जो भी काम किए उन सब चीज़ों को वो पत्रों पे लिखवा देता था और कहाँ लगाता था वो चौराहे पे लिखा है द इंस्क्रिप्शंस वेयर अप इन द प्लेस वेयर द कॉमन पीपल कुड रीड देम इजली आ, ये इंस्क्रिप्शंस को उस जगह पे लगाया जाता था यानी कि पत्थर पे उस उन पत्थरों पे खुदा जा खुदाई की जाती थी जो कि चौराहे पे होती थी उन मंदिरों पे खुदाई की जाती थी जो कि चौराहे पे होती थी जहाँ पे कॉमन पीपुल सामान्य लोग जो हैं वो आसानी से उसको पढ़ सकें द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज कॉल्ड ईपीग्राफी और इंस्क्रिप्शन पढ़ने की कला को क्या कहते हैं उसके अध्ययन को ईपीग्राफी कहते हैं एंड नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वाइंस ये क्वाइंस के ऐसे मदद का आपने देखा इंस्क्रिप्शन तो ऐसे मदद करता था राजा के अचीवमेंट्स के बारे में क्या क्या किया वो अपने निर्देश को जगह जगह पे छपवा देता था जहाँ पे ऐसा ना हो कि सामान्य जनता को कोई बात पता ना चले उन्हें पता चले कि राजा के द्वारा कौन से स्टेप लिया गया वो तो इंस्क्रिप्शन थे एंड इन अर्लियर टाइम्स क्वाइन वेयर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स लाइक लेड कॉपर ब्रॉन्ज आयरन सिल्वर गोल्ड एंड इवन लेदर शुरुआती समय में मटेरियल क्वाइंस जो होते थे वो अलग अलग डिफरेंट मटेरियल से बने हुए होते थे जैसे कि वो सीसा का कॉपर का ब्रॉन्ज का आयरन का यानी कि लोहा का और गोल्ड का सोने का चांदी का इन सब चीज़ों का बना यानी कि इवन यहाँ तक कि लेदर का भी बना हुआ होता था एंड दे गिव अस यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट द रिलीजन रूलर्स द यूज़ ऑफ़ डिफरेंट मेटल्स एंड द लेवल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ़ द टेक्नोलॉजी और ये जो है क्वाइंस क्या चीज़ में मदद करता था यूजफुल इंफॉर्मेशन देता था कि उस समय कौन सा मेटल यूज किया जाता था कई क्वाइंस पे आपने देखा होगा जैसे आपके टेक्स्ट बुक में आप यहाँ देखो ये रूलर्स का पिक्चर क्वाइन ऑफ समुद्र गुप्त है ये समुद्र गुप्त का जो है वो शायद उन्हीं के राज्य का राज्य दरबार का पिक्चर्स यहाँ पे दिया हुआ है तो पता चलता था कि उस समय रूलर्स कौन थे कौन सा मेटल यूज किया जाता था और और जो था वो लेवल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी ये खुदाई से पता चलता है आप देखिए यहाँ पे लगता है कि मोल्डिंग किया हुआ है कुछ सांचे में ढाला हुआ है ये सिक्का तो पता चलता है कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट उस समय कैसा था लोग मेटल को ऐसे ही सीधा हाथ से ऐसे दबाकर बना देते थे या किसी मोल्ड में किसी सांचे में ढलाई करते थे तो ये हुआ आपका इंस्क्रिप्शन एंड स्टूडेंट्स नेक्स्ट नेक्स्ट मोनूमेंट्स मोनूमेंट्स मीन्स अस्मारक होता था ये कैसे मदद करता है लोगों को प्रीवियस चीज़ों को जानने में पुरानी चीज़ों को आज हमें बताने में ये पुराने मोनुमेंट्स जो खुदाई में जो आर्कियोलॉजिकल मटेरियल है जो खुदाई के थ्रू हमें मिलता है वो हम लोगों को क्या प्रोवाइड करता है कौन सा नॉलेज पुराने जमाने के बारे में प्रोवाइड करता है तो मोनूमेंट्स आर द रिमेंस ऑफ टेम्पल्स ये टेम्पल्स का अवशेष है टेम्पल का ध्वस्त रिमेंस यानी कि जो उस समय मान लीजिए कि कोई बिल्डिंग बना और ध्वस्त हो गया किसी तरह और खुदाई में उसके अंश हम लोगों को मिल रहे हैं कोई पिलर उसका मिल रहा है कोई और भी उसका पार्ट मिल रहा है मोनमेंट्स का स्मारक का तो रिमेंट्स ऑफ टेम्पल स्तूपा प्लेस एंड फोर्ट्स ये जो है पैलेस सॉरी पैलेस लिखा है पैलेस मीन्स महल फोर्ट मीन्स किला तो स्मारक हम उन चीजों को कहते हैं जो मंदिर स्तूपा महल और किला का जो ध्वस्त चीज हम लोगों को मिलता है दीज एंशियंट बिल्डिंग्स हेल्प द हिस्टोरियंस टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ एंड द रिलीजियस बिलीफ ड्रेस आर्ट फॉर्म एंड आर्किटेक्चर ऑफ द टाइम ये मोनोमेंट्स क्या चीज में मदद करता है किन चीजों का इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ बोल रहा है समाज और आर्थिक जीवन अब मान लिया कि सपोज दैट यह बिल्डिंग बना हुआ है खुदाई में अगर ये बिल्डिंग मिले तो पता चलेगा कैसी ईंट इसमें किस प्रकार की ईंट उपयोग की गई है इसमें जो भवन निर्माण करने का आर्किटेक्चर यानी कि वास्तु का निर्माण कला कैसा इसका है सीढ़ियाँ कैसे बनी हुई है ये जो रेलिंग वगैरह दिया हुआ है ये किस प्रकार का दिया हुआ है तो यानी कि कितने पैसे खर्च हुए होंगे लोग कितने प्रोस्पेरस थे और लोगों का पसंद कैसा था तो सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ के बारे में हमको पता चला द रिलीजियस बिलीफ धार्मिक विश्वास भी मान लो कि कोई मॉनमेंट्स मिला तो टेम्पल मिला तो टेम्पल मिला तो अच्छा हिंदू लोग यहाँ पे शिव और विष्णु की पूजा की जाती थी कोई अगर मस्जिद मिला खुदाई में तो पता चलता है अच्छा यहाँ पे लगते हैं मोहम्डन लोग रहते थे कुरान पढ़ी जाती थी कोई अस्तूपाज मिले तो लगता है बौद्ध धर्म के लोग यहाँ रहते थे बौद्ध धर्म था लोगों का उस समय ऐसे ही कोई महावीर तीर्थंकर लोगों से जुड़ा हुआ यानी कि जैन धर्म से जुड़ा हुआ कोई मोनुमेंट्स मिले तो लगता था कि वो वहां पे जैन धर्म के लोग वहाँ पे रहते होंगे जैन धर्म मनाया जाता होगा एंड ड्रेस उससे मोनूमेंट्स जब मिलता है तो उसमें अंदर कुछ और भी जो लोग रहते थे जो पूजा पाठ लोग करते थे या मूर्तियों को जिस प्रकार की ड्रेस पहनाई जाती थी तो उससे लगता था कि किस प्रकार का ड्रेस लोग पहनते थे और बिल्ड आर्किटेक्चर तो हमने आपको बताया कि कैसी चीज़ें लोगों को पसंद थी तो इन सब चीज़ों के बारे में मोनूमेंट से पता चलता है एंड नेक्स्ट है स्केल्टन ये स्केल्टन किस प्रकार का होता था स्केल्टन से कैसे मदद मिलता था तो स्केल्टन आर ऑल्सो अ वेरी यूजफुल सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन एक कंकाल भी जो होता था वह भी इंफॉर्मेशन का बहुत ही महत्वपूर्ण सोर्स हुआ करता था द स्टूडेंट्स ऑफ स्केल्टल स्टडी जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स होते हैं जो स्केल्टल स्टडी स्केल्टन से जो लोग पता लगाते हैं कि किन चीज़ों की का ये कंकाल है ट्राई टू नो एवरी मिनट मिनट डिटेल अबाउट द स्केल्टन वो हर छोटे एवरी मिनट लिखा हुआ है हर छोटी से छोटी सूक्ष्म डिटेल जब उनको कंकाल मिलता है आफ्टर द एक्सकेवेसन जमीन में खुदाई के बाद तो वो स्केल्टन की हर सूक्ष्म चीज़ों का निरीक्षण करना चाहते हैं कि वो कह, किन का था किस जीवों का था किन जातियों का था एंड लिस्ट देयर फाइंडिंग्स और जो भी उनको कंक्लूजन मिलता है उसका उन लोग लिस्ट बनाते हैं फॉर एग्जाम्पल द स्केल्टन ऑफ वोमेन जनरली हैज ब्रॉडर हिप और पेल्बिक ये कहता है कि खास करके महिलाओं का अगर स्केल्टन मिल जाए कंकाल मिल जाए तो खास करके कैसा होगा उनका हिप कमर का जो पोर्शन होगा वो उनका चौड़ा होगा और पेल्विक नाभि के नीचे का जो भी जगह एरिया होगा वह भी थोड़ा चौड़ा होगा एरिया ऑफ चाइल्ड बियरिंग ये जो नाभि के नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो चाइल्ड बियरिंग बच्चे मदर इसी में बच्चे को वियर करती है आप जानते भी हैं तो ये चौड़ा होता था तो लो, लोगों को लगता था कि ये ये प्रेग्नेंट वोमेन की जो स्केल्टन है वो प्रेग्नेंट वामेन के स्केल्टन है क्योंकि इनका हिप और पेल्बिक दोनों ब्रॉड है अच्छा ज्वेलरी फाउंड ऑन द स्केल्टन्स और स्केल्टन्स से जो ज्वेलरी चूँकि जो मांस होता है लोगों का स्किन होता है वो तो डिग्रेड हो जाता है लेकिन स्केल्टन और जो मेटल्स होते थे वो तो डिग्रेड नहीं होते थे तो ये स्केल्टन से पता चला कि किन का है और ऑर्नामेंट से क्या पता चलता था हेल्प इन डिटरमाइनिंग वेदर द स्केल्ट स्केल्टन बिलोंग टू अ वमेन और मैन और जो ज्वेलरी जो फाउंड होती थी उससे पता जैसे महिलाओं का आभूषण अलग तरह का होता है पुरुषों को पहनने वाला ज्वेलरी कुछ अलग तरह का होता है तो इन सब चीज़ों से पता चलता था उनको कि ये महिला का स्केल्टन है या पुरुष का मैन का है या वामन का है तो इस तरह से आपने देखा कि किन किन चीज़ों ने कैसे कैसे मदद किया ये आर्क्योलॉजिकल सोर्स जो हैं वो रिलीजियस सोशल एंड कल्चरल बिलीव्स को कैसे ये बताते हैं कि उस समय लोग क्या चीज़ में विश्वास रखते थे क्या यूज करते थे तो ये था स्टूडेंट्स आर्कियोलॉजिकल सोर्स ऑफ मटेरियल्स एंड नेक्स्ट दिटरोरी लिटरेरी सोर्सेज ऑफ़ मटेरियल्स आई विल डिस्क्राइब इन नेक्स्ट क्लासेज थैंक्स स्टूडेंट्स